I love the culture of Pakistan. Tarbuz, kela, karbusa, khajur, pakore. बहुत अच्छा लग रहा है. मैं यहाँ पे एक 1.5 साल से मैं एज अ वॉलंटियर यहाँ पे सर्व कर रही हूँ. तो हमें इनका सहारा बनना चाहिए, इनके साथ दुख इनका बांटना चाहिए, इनके साथ इफ्तारी करनी चाहिए. फॉर मुस्लिम पीपल इज वेरी इंपॉर्टेंट दिस टाइम रमजान टाइम. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाक टीवी .tv के साथ मैं हूँ अक्सा खालिद. जैसा कि आप सब जानते हैं कि रोजे का वक्त करीब है और मेरे पीछे बहुत ही खूबसूरत सा दस्तरखान यहाँ पर सजा हुआ है. आज हम भी इसका पार्ट बनने आ चुके हैं. आज हम लोग जो है वो बात करेंगे उन एक्ट ऑफ काइंडनेस के वॉलंटियर्स के साथ. स्पेशली ये लोग लेकर आए हैं फॉरेन ट्रैवलर्स को अपने साथ जो कि एज अ वॉलंटियर यहाँ पर काम कर रहे हैं. हम सब उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि उनको पाकिस्तानी कल्चर कैसा लगा और क्यों उन्होंने रमज़ान के महीने में मुसलमानों का इस तकद्दस को जो है उसका जो है बहुत ज़्यादा अदब करते हुए एज अ वॉलंटियर दस्तरखान सजा रही है. तो चलिए मेरे साथ. इंटरनेशनल ट्रैवलर मौजूद है जो पूरी दुनिया घूमती है और एज अ वॉलंटियर काम भी करती है. उनसे जानते हैं कि मुसलमानों के लिए इस रमजान में दस्तरखान लगाते हैं उनको कैसा लगता है. हेलो, हाय, माय नेम इज सेल्वा एंड आई एम फ्रॉम स्पेन. आई एम ट्रैवलिंग थ्रू पाकिस्तान सिंस 1 month अगो एंड वी आर टीचर्स एंड वी आर डूइंग वॉलंटियरिंग जॉब. सो वी स्टार्टेड इन कराची एंड नाउ वी आर हियर इन इस्लामाबाद हेल्पिंग टू डिस्ट्रीब्यूट द फूड फॉर पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड ईटिंग. टेल मी दैट यू आर वेयरिंग दुपट्टा. इट्स कल्चर ऑफ पाकिस्तान. हाउ आर यू फीलिंग? I love the culture of Pakistan. This was a gift from our last school when we have done volunteering job. We felt really nice. The people were really welcoming and we felt at home. Tell me that it's a month of Ramadan and the people have fast for about 16 to 18 hours. How are you feeling for working these kinds of people? Oh, I feel very good to help these people because for Muslim people is very important this time Ramadan time. What are the food here? The first, the people we will eat fruit, the rock fast with the fruit. Okay, you have to repeat with me the fruit names in Urdu. Yeah, in Urdu. It's tarbuz, kela, karbuza, karbusa, khajur. पकौड़े, रुअफ़ा. आप एज अ वॉलंटियर यहाँ पर भी काम कर रही हैं, एज अ स्टूडेंट भी जो है वो पढ़ भी रही हैं, कैसा लग रहा है इधर आके आपको? बहुत अच्छा लग रहा है. मैं यहाँ पे 1.5 साल से मैं एज अ वॉलंटियर यहाँ पे सर्व कर रही हूँ और आज भी हम लोग यहाँ पे जो है ना सर्व कर रहे हैं लेबर्स के लिए. और आज का क्या मेन्यू है? आज फ्रूट्स हैं, डिफरेंट फ्रूट्स हैं यहाँ पे, बनानास, एप्पल्स और डिफरेंट फ्रूट्स हैं और साथ में पकौड़े वगैरह भी हम लोग इनको सर्व कर रहे हैं. बताइए कि रोज़ मेन्यू चेंज होते हैं यहाँ पर? जी, आज तो फ्रूट्स हैं लेकिन कभी कभार चावल और सालन वगैरह हम लोग सर्व करते हैं. मुझे ये बताइए कि हमारी नन्नी नन्नी जाने यहाँ पर दस्तरखान लगा रही है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है. घर वालों के साथ तो हम रोज़ करते हैं और वैसे भी इन लोगों के पास कोई नहीं है तो इन बगैर छत के लोग सोते हैं. तो हमें इनका सहारा बनना चाहिए, इनके साथ दुख इनका बांटना चाहिए और इनके साथ इफ्तारी करनी चाहिए. मुझे बताएं कि एज अ लॉयर आप प्रोफेशनली काम कर रही हैं उसके बावजूद इन एक्टिविटीज़ में इतनी इन्वॉल्वमेंट? एक्चुअली ये दिली खुशी होती है. वॉलंटियर वर्क जो होता है कि हम एक थक हार के जगह आते हैं, चलो वहाँ पे तो हम लोग पैसों के लिए काम कर रहे थे, यहाँ जब हम इन जैसे लोगों के लिए काम करते हैं तो एक दिली खुशी सुकून महसूस होता है कि यार चलो कुछ तो नेक काम कर रहे हैं, कुछ नेक अल्लाह ताला के लिए काम किया जा रहा है.